सुमन की किचन में आपका स्वागत है। आज हम मैदा और बेसन से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। ये मैंने एक कप बेसन लिया हुआ है, एक कप मैंने ये मैदा ली हुई है। अब बेसन को हम एक बॉल में डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हम इसमें मोमन डाल देंगे। अब इन सभी को इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 3 चम्मच तेल डाला हुआ है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके एक टाइट डो बना लेंगे। हमें इसको टाइट ही गूंथना है। बेसन हाथों में चपकता है, हम हाथ को अच्छे से धुल लेंगे। अब हम बेसन को चिकना करेंगे जिससे कि हमारे हाथों में अब चपकेगा नहीं। ये देखिए बेसन अच्छे से चिकना हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। इसी बॉल में हम मैदा डाल के गूंथ लेंगे। मैदा और बेसन मैंने बराबर बराबर लिया हुआ है। इसमें भी हम 1 चम्मच मोमन डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आधा चम्मच से भी कम इसमें हम नमक डालेंगे क्योंकि मैंने बेसन में नमक डाला हुआ है। मोमन भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक टाइट डो बना लेंगे इसका भी। हम मैदा का भी इस तरह से डो बनाएंगे। मैदा भी अच्छे से भून गया, ये देखिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए, दोनों को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के। मैदा और बेसन रेस्ट करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें लगाने के लिए हम साटा तैयार कर लेंगे। ये मैंने मैदा ली हुई है, ये मैंने घी लिया हुआ है। इसमें हम मैदा डाल देंगे घी में, इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैदा और घी का घोल बनकर तैयार हो गया, इसको हम साटा भी बोलते हैं। मैदा और बेसन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम मैदा को चिकना कर लेंगे इस तरह से। मैदा को मैंने अच्छे से चिकना कर लिया। अब बेसन को भी हम चिकना कर लेंगे। बेसन को भी मैंने चिकना कर लिया है। अब हम बेसन की इस तरह से लोई बना लेंगे। बेसन की मैंने लोई बना ली। अब इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। हम पतला सा बेल के तैयार कर लेंगे। हमें इस तरह से बेल लेना है। ये देखिए मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में इस तरह से रख देंगे। ऐसे ही हम मैदा को बेल लेंगे, इसको भी हम पतला सा बेल लेंगे। ये मैंने मैदा को भी देखिए पूरी बड़ी सी पूरी सी मैंने बेल ली है इसको भी। अब मैंने जो ये साटा बना कर रखा हुआ था ये हम इसी में लगा देंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसमें हम साटा लगा देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें ये साटा लगा दिया है। अब ये जो बेसन की मैंने पूरी जैसी बेल के रख रखी थी ये भी हम इसी पे इस तरह से रख देंगे। ये मैंने बराबर बराबर बेली हुई है। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम हल्का हल्का बेलन से, अब हम इस तरह से इसको इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। इसको हम इस तरह से अच्छे से करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा है पट्टा, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इस तरह से इसको रखेंगे। ये जो साइड है ना इसकी, ये चीज़ साइड की, ये हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से साइड हम निकाल देंगे।
ऐसे ही हम बराबर बराबर इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने बराबर बराबर निशान लगा लिए। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये सभी मैंने कट कर लिया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बना लेंगे, इसी तरह से हम सभी बना लेंगे, इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए ये सभी मैंने बना लिया है। इनको फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गरम हो गया। अब हम इनको फ्राई करेंगे एक एक करके। ये मैंने डाल दिए, अब गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। अब हम इनको पलट देंगे इस तरह से, ये सभी मैंने पलट दिए। अब हम इनको उलट पलट के अच्छे से, ये देखिए इनकी परतें, ये देखिए खुल रही हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और परती भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं। अब हम थोड़ी सी गैस हाई कर देंगे, ये अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए ये हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। अब हम गैस को हाई कर देंगे जिससे कि ये तेल ना पिए। ये अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये मैंने सभी निकाल लिए, बाकी बची हुई भी हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। इनको हम एक प्लेट में रख देंगे। ये सभी सेक के तैयार कर लिया, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये सभी सेक कर तैयार हो गए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम सर्विंग प्लेट में लगा लेंगे। ये मैंने सर्विंग प्लेट में लगा लिया है, देखिए कितने अच्छा लग रहा है ये नाश्ता। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है, ये देखिए इसकी सारी परतें दिखाई दे रही हैं। बेसन और मैदे का नाश्ता बनकर तैयार हो गया, ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। आप कभी भी इस नाश्ते को बनाइए, देखिए एक बार ट्राई करके इसे, चाहे बेसन और मैदे का नाश्ता कहिए, चाहे बेसन और मैदे की मठरी कहिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।